चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फिर से एक और बार गोल्ड के बारे में। गोल्ड में क्या हो सकता है, किसकी संभावना ज़्यादा हो सकती है, उसके बारे में लाइव मार्केट से कल हम जुड़े थे। उस टाइम पे भी चर्चा करी थी कि 58,300 के ऊपर अगर गोल्ड रुकता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और आपने इंट्राडे में ही देखा कि लगभग लगभग 700 के ऊपर, 725, 750 के आसपास हम जाके आए थे। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों, हम एवरीडे जुड़ने का प्रयास करते हैं। लगभग 9:30 से लेके तकरीबन तकरीबन 9:45 के बीच में मैं आपके साथ 10-15 मिनट के लिए लाइव मार्केट से जुड़ जाया करता हूँ। अगर आप भी जो है वो गोल्ड सिल्वर के लाइव एनालिसिस देखना चाहो, समझना चाहो, तो लाइव मार्केट से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। टाइम याद रखिएगा दोस्तों, 9:30 से 9:45 के बीच में। ठीक है, ये टाइम में हम जो है वो आपके साथ जुड़ते हैं। और आपके अगर कोई सवाल हो तो भी मैं आपको जो है वो उसके जवाब देने का प्रयास करता हूँ चार्ट के ऊपर से। अब आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ कि गोल्ड में अगले वीक में क्या हो सकता है। तो गोल्ड के लिए अभी क्लोजिंग हुआ है 58,300 के आसपास, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के आसपास जो है वो क्लोजिंग हुआ है। अगर गोल्ड यहाँ से, मैं आपको लाइव मार्केट से चार्ट के ऊपर ही वीकली एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ दोस्तों, आपको सपोर्ट ध्यान में रखना है 58,100 का। ठीक है, 58,100। अगर ये सपोर्ट नीचे की तरफ काट के नीचे की तरफ गोल्ड रुकने लगता है तो फिर यहाँ से जो है वो एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, जो कि 57,700। उसके नीचे चलते हैं तो 57,350, 56,900 और 56,000 के आसपास के कुछ लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। 57,700, 57,700 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके नीचे रुकना मतलब खतरे की घंटी होगी। ठीक है, ये बात जो है वो हमें ध्यान रखनी है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले वीक में अंदर जब हम मिले थे और उससे पहले भी, कि 60,400 से 59,100-200 ये लेवल को इग्नोर करने की हमने चर्चा करी थी, कि इसको इग्नोर कर दीजिए, इसके ऊपर और नीचे कुछ बड़ा खेल हो सकता है। तो आपने देख लिया दोस्तों, जैसे ही सपोर्ट काट दिया, आपको लगभग लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट का जो है वो आपने देख लिया। और लास्ट वीक में भी मिले थे, उस टाइम पे भी बात करी थी गोल्ड में, कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि थोड़ा मिले लेकिन सेफ मिले। ठीक है, 1,000 पॉइंट बढ़ाए तो हमें पूरे 1,000 नहीं चाहिए, हमें तो 500-600 से संतुष्टि है, लेकिन स्टॉप लॉस ना जाए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस मतलब पैसा जो भी आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए हमारी जेब से, ये बात जो है वो हमें ध्यान रखनी है। तो आप भी अगर ऐसा सीखना चाहो, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो भी अगर आप देखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों। सिर्फ 5 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि बाय करना चाहिए या सेल। माई इंट्राडे ट्रिक करके आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक ओपन करके आप जो है वो देख सकते हो और सिर्फ 5 सेकंड में पता लगा सकते हो। उसको समझने के लिए आपको सिर्फ दोस्तों आधे घंटे का समय चाहिए, 30 मिनट के अंदर आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि वो कैसे काम करता है और हमें कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है, अगर आप जो है वो देखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लिंक यूज़ करके आप देख सकते हो। रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ दोस्तों, 58,550 के ऊपर अगर गोल्ड चलता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी तेज़ी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। फिर वो तेज़ी आगे बढ़ के जो है वो 550 के ऊपर जाके हमें जो है वो तकरीबन तकरीबन 58,900 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर चलते हैं तो 59,200, यहाँ पर रेजिस्टेंस में ध्यान रखना है, ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ, 59,200 के ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर 59,200 के ऊपर चलते हैं तो फिर बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और फिर जो है वो धीरे धीरे करके 60,000 और 60,000 के पार के लेवल जो है वो हमें गोल्ड के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये रही दोस्तों पूरी गोल्ड की बातचीत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपना ट्रेड करो दोस्तों। उससे पहले एक बार अपने एडवाइजर से बात जरूर कर लीजिएगा। और आप भी अगर मेरा ट्रेडिंग सेटअप का यूज़ करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लिंक ओपन करके आप जो है वो उसको देखकर समझकर सिर्फ आधे घंटे में यूज़ कर सकते हो और आपको 5 सेकंड में पता भी लग जाएगा कि बाय बनता है या फिर सेल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।